हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है और आज इस वीडियो में आपको एक USB OTG अडैप्टर के बारे में मैं एक रिव्यू देने वाला हूं और बताने वाला हूं क्या आपका आईफोन जो है वो ये USB OTG अडैप्टर को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये जो अडैप्टर मेरे पास है इसके ऊपर जो है कार्ड रीडर ही लिखा हुआ है, एक जेनरिक सा अडैप्टर है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। मैं ऑनलाइन के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से इसको जो है ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप का ये कार्ड रीडर है 4-in-1 वाला और यहाँ पे इस टाइप के जो है इसके ऊपर प्लास्टिक के कैप्स लगे हुए, तो ये हम लोग पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैप्स निकालते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है एक लाइटनिंग अडैप्टर, एक USB टाइप सी, एक USB टाइप बी और एक जो है आपका नॉर्मल USB पोर्ट जिसके अंदर आप लगा से अपना माइक्रो SD कार्ड या फिर एक पेन ड्राइव। तो यहाँ पे ये कैप्स को मैं कर देता हूँ साइड में और अभी आपको बताता हूँ ये काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे जो है हमको मेमोरी कार्ड को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करना है और आप इसी तरह से जो है एक पेन ड्राइव को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेमोरी कार्ड का एग्जांपल दूंगा, लेकिन क्या फंक्शंस को ये सपोर्ट करता है, क्या आपके आईफोन में काम करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ों का आंसर मैं दूंगा। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको जो है अपने आईफोन में अटैच करते हैं लाइटनिंग पोर्ट के ज़रिए से। लाइटनिंग पोर्ट में अटैच करने के बाद जो है आउट ऑफ द बॉक्स ये ऐसे ही काम नहीं करेगा जैसे एंड्रॉइड में करता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको अटैच किया था तो इसने मुझे एक पॉपअप दिया था, लेकिन अभी नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, ऐप स्टोर में जाना है और डाउनलोड करना है iUSB। यहाँ पे आपको जो है iUSB नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना है और वो डाउनलोड करने के बाद जो है मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा iUSB Pro जो है एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से है, यहाँ पे iUSB लिखा है नीचे, ये जो है सब मेमोरी कार्ड के फाइल्स है जो यहाँ पे दिखा रहा है, ऐप करके लिखा है उसके बारे में मैं आगे आपको फंक्शन बताऊंगा। यहाँ पे आईफोन लिखा है यानी कि मेरे आईफोन के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एप्लीकेशन के अंदर से एक्सेस करना मतलब ये परमिशन अगर आपके फ़ोन में मांगेगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था आपके लिए, वापस से इंस्टॉल किया इसलिए ऑलरेडी मैंने परमिशन दिया हुआ है। और सेटिंग्स में जाके जो है आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स को बैकअप कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे दिया है कैमरा के अंदर वीडियो क्वालिटी, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है उसके कैमरा से आप 4K तक वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1080p में सेट कर देता हूँ। यहाँ से जो है कैश आप क्लियर कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, टच आईडी का ऑप्शन आप एनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 8GB का जो है मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आईफोन की फ्री मेमोरी दिखा रहा है 9.5GB और iUSB की जो फ्री मेमोरी दिखा रहा है वो 7.1GB है 7.5GB में से, मतलब 8GB का जो मेमोरी कार्ड है उसमें 7.5GB के करीब हमको फ्री मिलता है। और यहाँ पे इसका ये कैमरा एप्लीकेशन है जिसमें आप फोटो और वीडियो दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1080p दिखा रहा है और यहाँ पे एग्जिट का बटन है, यहाँ से आप कैमरा को फ्लिप कर सकते हो, यहाँ से जो है फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कैमरा में, बट आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको करना है और आपका फ़ोन जो है 16GB का 32GB का ऐसे प्रॉब्लम आते हैं हम लोगों, तो आईफोन यूज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेमोरी कार्ड में जो है कुछ फाइल्स है वो हम लोग जो है अपने फ़ोन में अपने जो फोटोज़ एप्लीकेशन है उसके अंदर कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा रोल है, यहाँ पे जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट फोटो ये है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मैं वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे पॉज या एडिट करने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक से। तो iUSB Pro हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कोई भी जो है एक फ़ाइल हम लोग ओपन करते हैं। सपोज़ ये फाइल अगर है, ये एक फ़ोटोग्राफ है, तो ये फ़ोटोग्राफ को हमको लेना है अपने फ़ोन के अंदर। तो क्या हम लोग इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यहाँ पे जो है नीचे आपने बटन देखा राइट हैंड साइड पे, ये एक बटन है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। शेयर का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कैमरा रोल करके ऑप्शन दिया है, तो ये जो आपका फ़ाइल है ये कैमरा रोल में जो है ट्रांसफ़र हो गया। अभी देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाएंगे तो ये फ़ाइल जो है यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से आप जो है यहाँ से अपने फाइल्स को, कैमरास के जो फाइल्स है आपके फ़ोटोज़ एप्लीकेशन वाले, उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो सिमिलर वे में। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपने आईफोन खोला, यहाँ पे कैमरा रोल खोला, यहाँ पे जो इमेज है ये देखिए, यहाँ पे इमेज है, किसी ने मुझे सेंड किया था। तो यहाँ पे जो है नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे iUSB और यहाँ पे जो है हमारा मेमोरी कार्ड के फाइल्स ओपन हो गए। तो यहाँ पे कोई भी आप डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हो या फिर ये फोल्डर में भी डाल सकते हो। तो अभी जो है ये मेमोरी कार्ड में आ गया और आपको चेक करना है, आप बैक जाएंगे iUSB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है वो फाइल जो मैंने अभी आपको फोटो एप्लीकेशन दिखाया वो यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत ही ईजी जो है एक वे है आपके मेमोरी कार्ड से फ़ोन में या फ़ोन से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करने का, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस या म्यूज़िक भी। अभी मैं आपको म्यूज़िक का भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मेमोरी कार्ड में ये एक सॉन्ग है, यहाँ पे मैं कोई भी सॉन्ग जो है प्ले करके आपको म्यूज़िक तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज़ भी है तो इसके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, एडिट पे कीजिए। यहाँ पे आपने जो है सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कॉपी और मूव दोनों ही ऑप्शन है। तो सपोज़ आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको आईफोन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे ऐप पे क्लिक कर लीजिए।
और यहाँ पे देखिए ऐप पे क्लिक करते ही आईफोन लिखा हुआ आया, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद जो है आपका म्यूज़िक आपके फ़ोन के अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सपोज़ ये जो कार्ड रीडर है इसको आपने निकाल भी दिया, क्योंकि कार्ड रीडर के अंदर जो है कार्ड के अंदर वो म्यूज़िक फाइल थी, तो यहाँ पर मैं कार्ड रीडर साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर मैं आई यू एस बी पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर जो है ये कार्ड रीडर निकला हुआ है। ऐप पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सॉन्ग आ गया है। अब यहाँ पे मैं जब मैं सॉन्ग पे क्लिक करूंगा तो सॉन्ग जो है इसके अंदर के म्यूजिक प्लेयर में बजेगा, आपके एप्पल म्यूजिक के अंदर ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो अगर आपको सॉन्ग्स अगर आपके फ़ोन में डालना है मेमोरी कार्ड के थ्रू एक्सटर्नल में रखना है आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे आप जो है एप्पल म्यूजिक में अगर आपको सॉन्ग्स ऐड करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन को जो है आईट्यून से आपके पीसी पे या मैक पे कनेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आप जो है सॉन्ग्स अपने एप्पल म्यूजिक में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन इस जो कार्ड रीडर के ज़रिए से आप जो ये आई यू एस बी प्रो करके एप्लीकेशन है इसके अंदर आप सॉन्ग्स को उसी तरह से बिल्कुल सुन सकते हैं और वीडियोज़ उसी तरह से देख सकते हैं जैसे आप अपने नॉर्मल जो फ़ोन का जो ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है उसमें आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड रीडर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये कार्ड रीडर की ये है कि एंड्रॉइड के फ़ोन के साथ भी आपके काम कर लेगा। यहाँ पे मेरे पास एक एंड्रॉइड का फ़ोन भी है सोनी का, तो मैंने उसमें इसको लगा के देखा है। तो उसके लिए भी आपको एक, अगर आपके फ़ोन में इनबिल्ट कोई फाइल मैनेजर नहीं है तो आप जो है थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। एक मेमोरी कार्ड का मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाया है, मेमोरी कार्ड की जगह आप एक पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं इसमें, तो पेन ड्राइव के लिए भी काम करेगा। तो फोटोज़ वीडियो जो है आपके पेन ड्राइव पे या आपके मेमोरी कार्ड पे एक्सटर्नल जो होगा उस पर ट्रांसफर करने के लिए आप इस OTG अडैप्टर का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई लार्ज कोई इंटरव्यू वगैरह शूट करना है, आप जानते ही आपके एप्पल आईफोन के अंदर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई लिमिट नहीं होती, तो उसी तरह से आप जो है, लेकिन आपकी मेमोरी रिस्ट्रिक्शन का ज़रूर लिमिट होती है, तो आप कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, 8 GB वाला, 32 GB वाला, 64 GB वाला, इसमें मेमोरी कार्ड लगा के आप इसके ही एप्लीकेशन जो iUSB Pro एप्लीकेशन है उससे आप जो है यहाँ पे कैमरा में जाके शूटिंग कर सकते हैं और जो है सारा वीडियो आपके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये कार्ड रीडर इतना कॉम्पैक्ट लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे जो है आपके फ़ोन में बिल्कुल नीचे की तरफ से अटैच हो जाएगा और ऐसा कोई लूज़ या लटकता हुआ नहीं है, एकदम सिंपल है। और यहाँ पे देखिए इसको अटैच करते ही जो है iUSB Pro ने परमिशन मांग ली और iUSB Pro जो है हमारा ओपन हो गया और यहाँ से हम फाइल्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने मेमोरी कार्ड नहीं लगाया इसलिए कोई भी फाइल्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा, अगर लगाया होता तो यहाँ पे iUSB में ये फाइल्स आ जाते। तो कैसा लगा आपको ये कार्ड रीडर, ये OTG अडैप्टर, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। पहले कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, बहुत लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती किस तरह से उसको एक्सेस करना है, तो पहले कमेंट में भी मैं वो लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में 600 से लेकर 800 रुपये तक ये अडैप्टर मिल सकता है। तो सैंडिस्क का जो आई एक्सपैंड ड्राइव है जो कि एक लिमिटेड ड्राइव होता है, 32 GB या 64 GB ऐसी स्टोरेज होती है उसकी जो कि काफ़ी महंगा होता है, 32 GB का ही मेरे ख्याल से कुछ 3,000 रुपये का है, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा और रिलायबल मुझे कार्ड रीडर लगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।